इनको नियमित किया जाना चाहिए, करने को तैयार हूं मैं। चलो मैं और तुम चलते हैं अभी अर्जित साहब के पास। अभी आपने कहा चलो मेरे साथ, अगर माइक के लाल हो तो चलो मेरे साथ अभी एलजी साहब के पास चलो, मैं करने को तैयार हूं, मैं जहां साइन करोगे खाली कागज पे दस्तखत करने को तैयार हूं। तुम लोग किसी भी हद तक गिर सकते हो, इस देश को बेच सकते हो तुम लोग केवल 4 वोट के लिए। एलजी साहब ने उनको बुलाया और उनको धमकाया कि अगर तुमने ये स्कीम बंद नहीं की तुमको सस्पेंड कर दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा, ईडी छोड़ दूंगा तुम्हारे पीछे, सीबीआई छोड़ दूंगा, तुमको जेल भेज दूंगा। मेरे को लोगों ने चुनके भेजा, आपको तो चुनके नहीं भेजा, मेरे को लोगों ने चुन के भेजा है। मैं अपने लोगों की सुरक्षा के लिए 280 क्या 2800 करोड़ रुपए खर्च करूंगा, आप कौन होते हैं इसको रोकने वाले? बीजेपी वाले उनके धरने में जाके टेस्ट हुए, अपने मगरमच्छ के आंसू बहा रहे, शर्म आनी चाहिए आप लोग। अब कल एल जी साहब ने मेरे को एक चिट्ठी लिखी है, चिट्ठी बहुत गंदी है, उसमें भाषा बहुत ही गंदी है। आप लोग पेटी पॉलिटिकल गेम्स के लिए काम कर रहे हैं, यू आर पासिंग द बक फॉर वन योर ओन इनएफिशिएंसी। अपने स्पीकर साहब को बता देना, स्पीकर को मेरे अंडर में आते हैं क्या? एलजी को यह भी नहीं पता कि जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव 3 स्तंभ हैं राजनीति इसके कॉन्स्टिट्यूशन के? क्या उनको ये नहीं पता कि स्पीकर इज एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ही डज नॉट रिपोर्ट टू द चीफ मिनिस्टर? कि अपने स्पीकर साहब को बता देना कि इसमें से एक्सपंज कर दे प्रोसीडिंग्स में से। मैं कुछ नहीं कह सकता स्पीकर साहब को, हमारे सबके माननीय है स्पीकर साहब, मुझे मैं नहीं कह सकता इनको कुछ। यू एंड योर मिनिस्टर्स आर एक्यूजिंग मी, योर स्टेटमेंट्स आर वाइट लाइज, दिस इज अ टिपिकल एग्जाम्पल ऑफ अब्यूज एंड स्कूट गेम विच यू सीम टू हैव मास्टर्ड, यू हैव मेड अ करियर आउट ऑफ इट। ये एलजी साहब मुख्यमंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं, ये भाषा है, ये भाषा है, ऐसी भाषा लिखनी चाहिए? कितने भी डिफरेंसेस हो हम दोनों के बीच में, जो मर्जी डिफरेंस हो, ऐसी भाषा तो एलजी साहब को लिखना शोभा नहीं देता। व्हाइल यू एंड योर गवर्नमेंट हैव डन नथिंग सब्सटेंटिव फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली एंड इट्स रेजिडेंट्स इन ऑलमोस्ट ऑल स्फीयर्स। 3 बार चुनाव जीते हैं, आप लोगों की जमानतें जब्त हो गई, कुछ कर ही रहे होंगे तभी हुआ है, कुछ कर ही रहे होंगे दिल्ली वालों के लिए। यू हैव डन नथिंग फॉर द पीपल ऑफ दिल्ली इन अ बिड टू मेंटेन द शराड दैट यू हैव क्रिएटेड थ्रू रिपीटेड लाइज परपिचुएटेड बाय एन इंसेसेंट पब्लिसिटी कैंपेन। अभी तो बहुत है इसमें गंदी गंदी गालियां, मैं इसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं ये समझता हूं कि जो भी प्रोवोकेशन हो, जो भी कारण हो, हमें अपनी मर्यादा, शब्दों की मर्यादा और भाषा की मर्यादा कभी लांघनी नहीं चाहिए। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में सारे मोहल्ला क्लिनिक के टेस्ट बंद करवा दिए गए, दवाइयां बंद करवा दी गई, उनके रेंट की पेमेंट बंद करवा दी गई, बिजली की पेमेंट बंद करवा दी गई, डॉक्टरों की तनख्वाह रोक दी गई। अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 एमसीडी चुनाव के जस्ट पहले, क्या कारण था भाई? आम आदमी पार्टी के वोट कम करने थे और बीजेपी को वोट बढ़ाने थे। वोटों के लिए तुम किस हद तक गिरोगे बीजेपी वालों? ओपीडी सितंबर 2023 से फरवरी 2024 के बीच में ओपीडी के काउंटर के ऊपर अस्पतालों के अंदर जो वो डेटा एंट्री ऑपरेटर बैठे थे, एक शॉट में सबको हटा दिया। अब कोई अस्पताल जाता है तो खिड़की ऊपर कोई बैठा हुआ नहीं मिलता। ये सब हमने लड़ लड़के दोबारा चालू कराए हैं, ये तो कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं दिल्ली वालों को मारने की। मरने नहीं दूंगा मैं, जब तक जिंदा हूं तब तक दिल्ली वालों के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा। हाईकोर्ट की भी नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते, किसी को नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट आदेश देते पलट देते हैं उसको। अरे किसको मानोगे तुम? देश की जनता को नहीं मानते, दिल्ली की जनता को नहीं मानते, चुनी हुई सरकार को नहीं मानते, हाईकोर्ट को नहीं मानते, सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते। अजीब तानाशाही हो गई तुम्हारी। फरिश्ते स्कीम कि दिल्ली की सीमाओं के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसका जहां मर्जी वो इलाज करा ले प्राइवेट में, बड़े से बड़े प्राइवेट, उसका सारा खर्चा हम देते थे। 23,000 लोगों की हमने जान बचाई एक्सीडेंट वालों की, एलजी साहब ने वो स्कीम भी बंद करा दी। और ये बड़े मजे की बात यह है, एलजी साहब को मैंने जाके बताया, पिछले 6 महीने में मेरी जितनी मीटिंग हुई है बार बार मैंने एलजी साहब को कहा है जी मैं अफसरों को बुलाता हूं और मैं उनसे पूछता हूं भाई क्यों बंद कर रहे हो। हर अफसर ये कहता है
मेरे को एलजी ने बुला के धमकाया, मेरे को एलजी ने बुला के धमकी दी है कि काम भर करोगे तो। एलजी साहब बोले मैंने तो कभी धमकी नहीं दी, मुझे नहीं पता सच्चाई क्या है। अफसर कह रहे हैं एलजी ने बुला के धमकाया, एलजी साहब कह रहे हैं मैंने कोई धमकी नहीं दी। तो ये अचानक पिछले 2 साल के अंदर दिल्ली की सारी पेमेंट बंद क्यों होती जा रही है? दवाइयों की पेमेंट बंद हो रही है, टेस्ट की पेमेंट बंद हो रही है, और मंत्री लिखित में आदेश दिए जा रहे हैं उनके आदेश नहीं माने जा रहे। यही अफसर हैं, अफसर नहीं बदले, सारे के सारे वही अफसर हैं जो अभी तक जो अफसर काम कर रहे थे सरकार के लिए, अचानक उन अफसरों ने जो बेसिक सर्विसेज है वो भी प्रोवाइड करना बंद कर दिया। कुछ तो गड़बड़ है।